हेलो दोस्तों, रचना सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपने पति पर करने वाली हूँ फ्रैंक। मैं उनकी रोटियां चुपरूंगी कम घी से और अपने लिए बहुत ज्यादा घी लगा के रोटियां चुपरूंगी और उनकी तवे पे तल के पराठे टाइप का भी बनाऊंगी बहुत ज्यादा घी लगा के। तो फिर देखते हैं कि ये सब देख के उनका क्या रिएक्शन आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। खाना ले आना, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना ले आओ। आओ ले आ रही। अरे यार, आलू टमाटर की सब्जी, आलू टमाटर की फिर से सब्जी। तुम कुछ लिया था बाजार से क्या? आलू टमाटर की सब्जी पहले खा के देखो, बहुत टेस्टी बनी यार। अरे टेस्टी तो बनी, लेकिन टेस्टी कितनी बार खाए, परेशानी तो होगा। खाद खाता तो आलू टमाटर, सुबह आलू टमाटर, शाम के आलू टमाटर, डेली आलू टमाटर। मटर पनीर, मटर पनीर बना नहीं करे बाजार से ले आओ तो बताओ तो करे, या बताओ जब तुम लिया। शौक हुई है ना कि आज वो पनीर खाने के, आज वो भिंडी खाने, तो बाजार से ले। जब तुम बताओ जब वही तो ले आओ है बाजार से, कि आज सब्जी नहीं है तो ले आए, बताने है नहीं है। आलू टमाटर बना के रख देने बाजार जाके, तुम्हें जो नहीं रखती हमारे घर में सब्जी बनने, तो सब्जी ले जाए। जो नहीं पता रख तुम्हें कि घर में सब्जी ले आया, वो तुम हो पे पापा और तो किसी को लिया ही नहीं हो। ये तो बताने तो चाहिए कि सब्जी नहीं है। बहुत अच्छी कहा, आलू टमाटर खत्म हो गए। अलग ढंग से बनाई, अच्छी बनी सब्जी खा गए। रोटी अच्छी चपर देती, घी इतना घी हो रहा हो, घी खत्म हो गया, इतनी भैंस लग रही हो, मठा भम रहा हूँ, घी कितना लगा था पता है। सब्जी खराब है तो कम से कम घी से ही खप जाती रोटी। घी से कैसे खा जाती है? ऐसा नाव को लगा दो, अच्छी अच्छी बढ़िया अच्छी पड़ती बढ़िया घी से। अरे भैया तो गर्म करके बढ़िया घी लगा देती दोबारा, तो गर्म है रोटी तो बनाई शाम के, भूख लग गया सुबह, मजबूरी है भैया। अचार ले आना है, गांव का अचार। और रचना, नहीं 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 रचना, तो मुझे जाना पड़ेगा। रचना अचार देना, एक अचार तो ठीक है, जो का चल रहा हो घी घी सो घी अब हम तो घी है तो नहीं, अब जो घी है घी देख रहा हूँ, घी देख रहा हूँ। हमारी रोटियां तो बिल्कुल ऐसा लोग बिल्कुल घी को ना करो है जैसे, और ये कई रोटी से इतना घी लगा के खा रहा हूँ। देखिए भैया जो रोटियां से कहा बन रहे दबोरा की रोटी और घी लग रहा हो, तुम्हारी रोटी से भी लगाओ तो, लेकिन ठंडी अच्छा जब घी लगा है तो घी तो अलग दिखा है, लगाओ सो मैं दिख रहा हूँ घी तो अब खत्म कैसे हो गया, तो घी अबे तो बोल रही थी कि खत्म हो गया घी, तो ऐसे तो कहना पड़ा ये घी नहीं है, तो जाना क्यों कह रहा था घी का हलवा बनाओ पूरी बनाओ, तो कहना पड़ा नहीं बहुत तो बचा के रखना पड़ा ठीक है नहीं। अच्छा बचा के तो रखने पड़ा, तो अपने इलाजे खा भी रखने। जो मम्मी को बोला हूँ मम्मी से कह रहा हूँ खुद तो सबके इलाज है, तो थोड़ी थोड़ी इसे पड़ रही घी से, वो खुद लगी भयंकर घी खा गई। मम्मी को कहा बुला रहे थे? हाँ हाँ मम्मी ऐसे कहने पर है, तो कब जब तो असली सामने आ गया, जो घी खत्म कैसे हो रहा हूँ, सबके इलाज है तो घी है नहीं, खुद के इलाज है तो जो डब्बो भर के घी आ जाए। तो भैया मैं दो तीन दिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कहने ना मम्मी से कहा चल रहा हूँ, मम्मी को पता चल रहा मम्मी किचन में आप नहीं है, मैंने आज देख लो बस सांस लिए सामने आ गई।
मम्मी से देखो मम्मी से देखो अब ना कर ना करवा रही मैं खाऊं तो सबको सबको खुआ सबको अकेली ना खाऊं लेकिन मम्मी से देखो ने मम्मी पूरे मोहल्ला कहने तो ये बहू ने तो पूरे घर ही खा रहा है सब्जी खा रही हूँ तो बटे खा कर